इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें बीजेपी के नेता और आमजन ने इस दिन को सेवा कार्य के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जो इंदौर के मेघदूत गार्डन और श्री रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के साथ सेवा दिवस की शुरुआत हुई। इस दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित कई IMC मेंबर और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें इस दौरान सभी ने वाहन रैली भी निकाली और स्वच्छता में इंदौर शहर को 6ठी बार नंबर 1 बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा कार्य करने का भी संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर इंदौर में आज सवेरे से बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी कार्यक्रमों के अंतर्गत बहुत सारी श्रृंखलाएँ कार्यक्रमों की सेवा संकल्पी और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए शपथ भी दिलाई लीगल और इसके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के थे वेस्ट से वेल्थ उस कंसेप्ट को लेकर हमने यहाँ पर एक मेला भी लगाया। गत वर्ष भी मेला लगा था, किस प्रकार हमारे वेस्ट से हम किस प्रकार के चीज़ें बना सकते हैं और उसको हम बाज़ार में दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक यहाँ पर मेला भी लगा है। मैं चाहता हूँ कि सभी शहरवासी उसको देखें किस प्रकार हम वेस्ट से वेल्थ कर सकते हैं। और आज दिन भर सेवा और संकल्प के कार्यक्रम, गरीब उत्थान, मेडिकल के, स्वास्थ्य के परीक्षण के केंद्र, वृक्षारोपण, आज दिन भर कार्यक्रम है इंदौर में और ये कार्यक्रमों की श्रृंखला बहुत लंबी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंदौर को स्वच्छ रखना ही इंदौरियों की सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए जो इंडियन स्वच्छता लीग देश भर में हो रहा है उसके आज शुभारंभ की, आज से 2 अक्टूबर तक इंदौर के जितने सब टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ स्वच्छ रखना, उसमें युवाओं का योगदान, पार्टिसिपेशन करना, सेवा दिवस के अलग अलग कार्यक्रम, कृत्रिम अंगों का वितरण हो, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की गरीबी हितैषी योजनाएं हैं उनका लाभ घर घर तक पहुंचे, उसलिए गरीब सेवा अभियान के माध्यम से भी इन सब योजनाओं में सैचुरेशन हो, उसकी भी शुरुआत आज कर रहे हैं। और ये स्वच्छता की लीग में चूँकि इंदौर अब सिक्सर लगाने वाला है तो इस स्वच्छता लीग में भी हम लोग देश भर में नंबर 1 आए, उस अभियान को आज यहाँ शुरू किया है और उसमें सुबह 6:30 बजे टूरिस्ट प्लेसेस की सफाई के साथ साथ बाइक रैली के रूप में हम सब गांधी हॉल पहुँचे। यहाँ इको मार्ट मेला, जो हमारा 3R है, रीयूज़, रिड्यूज़, रिसाइकल का कंसेप्ट, उससे जुड़े स्टॉलों का प्रदर्शन और हमारे क्रिकेट में शान इंदौर के गौरव आवेश खान जी भी इस अभियान में हमारे साथ थे, क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक और हमेशा इन सब क्रिएटिव काम्स में आगे रहने वाले आकाश विजयवर्गीय, MIC के सभी सदस्य, सभी पार्षद, इंदौर की युवा टीमों मिलकर स्वच्छता को लेकर एक नया संकल्प जो कि इंदौर की आदत बन चुकी है उस आदत को और मजबूत करने का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। आज का जो स्वच्छता इंडियन स्वच्छता लीग का कार्यक्रम है ये पूरे देश भर में किया जा रहा है। इंदौर ने इस कार्यक्रम को अपने सभी टूरिस्ट प्लेसेस पे किया है और गांधी हॉल में इस कार्यक्रम का समापन है, जो 2 जगह रणजीत हनुमान मंदिर पर और मेघदूत गार्डन में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ से रैली के स्वरूप में लोग यहाँ आए हैं और आज अभी गांधी हॉल में इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। इसमें एक विकल्प मेले का भी आयोजन किया गया है जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह पर लोग क्या इस्तेमाल करें इस चीज़ को दर्शाया गया है। ये कार्यक्रम मुख्यतः युवाओं पर केंद्रित है, किस तरीके से युवा इस अभियान से जुड़ें, स्वच्छता को युवा ओन करें और जो इंदौर की टूरिस्ट स्पेस हैं उनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और हम कैसे बढ़ाएं, इस बात पर ये पूरा अभियान केंद्रित रहा है। आप देख रहे हैं कि युवाओं का एक लंबा चौड़ा दल इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। इंदौर स्वच्छता के मामले में हमेशा अपनी दावेदारी मजबूती से रखता आया है, हम लोग इस बार भी सर्वेक्षण में अपनी दावेदारी उतनी मजबूती से रखकर फिर से इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे।